कालू वाटरफॉल के लिए गेट से एंट्री ले ली है और वहाँ पे है कालू वाटरफॉल। और यहाँ का गांव है ना, बहुत ही प्यारा है। ये देखो क्या मस्त मस्त वाटर क्रॉसिंग आएगी रास्ते में, ऐसा बोल रहे थे, अभी देखते हैं। तो ऐसे कुछ रोड है, ऑफ रोड ही है। अभी ये ब्रिज बन रहा है और ये देखो ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल है। हाँ चौक्स भाई, थैंक यू। चलो है ना, तुम लोग को भी शांति दीजिए जो। तो ये हमारे गुजरात के भाई लोग मिले थे, वो लोग भी यहाँ पे दो तीन दिन रुके थे ऐसा बोल रहे थे। अच्छी तरह से बात की और हम लोगों को होटल के बारे में बताया, हम लोग भी रुकने वाले हैं। ये प्यारा सा गांव है, कालू वाटरफॉल के रास्ते में आता है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाना है। रोड तो ऑफ रोड ही है। तो कालू वाटरफॉल क्या बड़ा और क्या मस्त लग रहा है। हम लोग एकदम सही टाइम पे आ रहे हैं, शायद 1.5 किलोमीटर हमें ट्रैक करना है। खतरनाक है, एकदम खतरनाक। बहुत ही गंदी वाली ऑफ रोड है। हाँ पार, ये बहुत ही खतरनाक वाला था। सब लगेज का उन लोगों ने 20-20 रुपये लिया है। ये यहाँ से हम लोग बाइक लेके जाएंगे आगे। हेलमेट वेलमेट सब हम लोगों ने इधर ही रख दिए। तो अभी चलो कालू वाटरफॉल चल रहे। यहाँ से शुरू होता है कालू वाटरफॉल का ट्रैक और ऐसा रास्ता है। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ करके आए और आज कालू वाटरफॉल। मज़ा आ रहा है और आज मौसम भी साफ़ है और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। यहाँ से हमें रिवर क्रॉस करनी है। यहाँ पे ज़्यादा पानी होता है ना, तो ये जिप लाइन से ये लोग बेचते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही रिवर क्रॉस करेंगे। जो ग्रुप आया है वो पूरा आधे तो गए, तो हम लोग तो ऐसे नहीं करने वाले। हम लोग हैं पानी में और ये रही रिवर की चप्पल। ये कैसे लेके जा रहा है ये बॉडी देखो भाई की बॉडी। हाँ तो फुल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जो काला है ना, काले को बुरा करने के लिए कालू वाटरफॉल के पास बैठाएंगे। ये बात सही है, ये बात सही है तुमने। ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं हम लोग, ये रही। और ये सब P1D से भाई लोग, तो उनके साथ साथ ही चल रहे। अभी 20 मिनट हम भटक गए थे जंगल में। वो जो गिर रहा है ना वो है कालू वाटरफॉल। अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जो कल हम लोगों ने हरिश्चंद्रगढ़ किया था ना, इतना कुछ है नहीं, सिंपल ऐसा रोड ही है, इजी कर सकते हैं। कालू वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये चेक करो फॉग। यहाँ पे है कालू वाटरफॉल और थोड़े आगे आए और दो वाटरफॉल दिख रहे हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। एक ये रहा और ये जो है ये कालू वाटरफॉल है। एकदम ऊपर से आ रहा है लेकिन ऊपर फॉग है ना, उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। ये भी बहुत ही प्यारा है ये जो है, लेकिन हम लोग जाएंगे यहाँ पे कालू वाटरफॉल देखने के लिए। तो हमारे साथ ये भाई भी है, क्या नाम है तुम्हारा? नदीम अहमद। नदीम अहमद, और ये लोग कहाँ से? भिवंडी से आए। हाँ भिवंडी से आए, वो भी एक्टिवा स्कूटी लेके। बहुत अच्छी बात है। पीछे कालू वाटरफॉल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो है जिप लाइन है, तो हम लोगों ने ये दीदी से पूछा कि यहाँ से करें और आगे से करें, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो आगे से नहीं करना पड़ेगा और आगे से करेंगे तो यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। दीदी ने बोला कि ये जो है ये थोड़ा डेंजर है, तो हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, वहाँ से थोड़ी हाइट कम है, तो
तो हम लोग वहाँ से करेंगे। और व्यू चेक करो आप एक बार। तो हम लोग यहाँ से तो नहीं कर रहे जिप लाइन, आगे से ही करेंगे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी हम लोग जिप लाइन करके ये रिवर क्रॉस करेंगे। यहाँ से होती है जिप लाइन, तो हम लोग अभी जिप लाइन करके जाएंगे। वो देखो वो जा रहा है भिवंडी वाला। हाँ हाँ ठीक है। अभी हाँ ओके हाँ जी। अभी ये अंकल के पास से हम लोगों ने टोकन लिया, दो लोगों का 200 रुपये। और ये अंकल बोल रहे थे कि ऊपर अच्छा व्यू है, ऐसा बता रहे थे। ऐसे करके बाहर जिप लाइन करके आए। और यहाँ से व्यू चेक करो, क्या मस्त लग रहा है। देखो क्या मस्त लग रहा है। किसका फोन खो गया है? चला भाई, इन लोग का किसी फोन खो गया है। तो कोई बात नहीं, वो तो मिल जाएगा। फोन खो गया तो मिल गया। अभी इसका हो गया था। चलो अभी कोई बात नहीं, हो गया। चलो सब लोग कैसे जा रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही जाएं। देखने वाले कालू वाटरफॉल, ये रहा, ये देखो। थोड़ा सा था लेकिन बहुत हार्ड था। अभी और थोड़ा जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से फिर और ऊपर जा रहे हैं हम लोग। इतनी ऊपर आ चुके हैं, ये देखो। और हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये देखो। ऐसे आए और यहाँ से ऊपर जाना है। चलो ऊपर। जिप लाइन तक आने का एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये देखो ऐसे हम लोग आ रहे हैं ऊपर। एक मिनट, तो ऐसे करके आ रहे हैं। धीरे धीरे और ऊपर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ा ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम लोग इतना ख़त्म करके आए और ये प्यारा सा वाटरफॉल। हमें और यहाँ से ट्रैक करके जाना है। तो चलो यहाँ से मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो आप ऊपर का ही देखो। ओके, और ये देखो क्या प्यारी वैली है, बहुत ही प्यारी लग रही है। कालू वाटरफॉल के पास आ चुके हैं और ये देखो भीड़ बहुत सारी है। यहाँ के अच्छे अच्छे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कालू वाटरफॉल पे ये चेक करो,
यहाँ पे हम लोगों ने फोटो सेशन वेशन सब कुछ कर लिया है और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। यहाँ के सिनेमेटिक भी आप लोग को अच्छे लगे होंगे। ये रास्ते से आए और वहाँ पे है कालू वाटरफॉल। ये जो रास्ता से हम लोग आए ना भाई, बहुत ही डेंजर है और बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैकिंग है। जिसको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है और जो ट्रैकिंग किया है वही आए, बाकी वैसे मत आए, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। पहले हम लोग को जितने ईजी लग रहा था ना उतना नहीं है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या है ना, तो जो ऊपर का वाटरफॉल था हम लोग ऊपर थे ना तो वो नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी दिख रहा है। वो देखो कितना बड़ा है। और फिर से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। है थोड़ा सा डेंजर, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बोलूँगा। आ गए जिप लाइन के पास, तो यहाँ से जाएंगे। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है। और ये भाई लोग मुझे बांध के भेजेंगे। प्लान करके आए और बाजू में ये छोटी सी स्टॉल है, वहाँ पे हम लोग मैगी खाएंगे। कल कालू वाटरफॉल से आ चुके थे, बहुत थके हुए थे क्योंकि दो दिन से हम लोग ट्रैक कर रहे थे। आके खा पी के हम लोग सो गए। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कालू वाटरफॉल के पास का जो गांव है वहाँ पे होमस्टे भी मिलता है, तो आप 1500 रुपये में खाने के साथ आपको वहाँ पे होमस्टे मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं मालसेज घाट।